वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे All the books and sources that you need for your humanities arts stream clear है सबसे पहले टू all the ट्वेल्थ जो अभी थोड़ा सा confused है क्या क्या refer करें कौन से video lectures देखें कैसे हम पूरी तैयारी करें this is the right video for you तो हम कैसे चलने वाले हैं देखिए सबसे पहले तो ये class 12th के लिए है for the humanities and arts stream अंडर सी बी एस ई क्योंकि मैं सीबीएसई वाली एनसीआरटीज बताऊंगी और कुछ एडिशनल सोर्सेज बताऊंगी आपको रेफरेंस के लिए Clear है है चलिए so, we'll we'll में सबके पास रहता है. फिर हम economics cover करेंगे फी हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन ये छह सब्जेक्ट्स में आपको इन डेप्थ बताऊंगी कि आपको कहां से कवर करने हैं कितने सोर्सेज रहेंगे कितना टाइम आपको डिनोट करना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स क्लियर है सो दिसक्ट्स विल भी कवरिंग टू डे जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं लाइक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी उनकी uh, मेरे पास ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे पास वो सब्जेक्ट्स पर्सनली नहीं थे उनके लिए आप सिंपली एनसीआरटी रेफर कर सकते हैं तो मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी राइट सो दीज आर सब्जेक्ट्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट तो देखिए सब्जेक्ट्स की बात तो हमने कर ली है अब हम क्या जानेंगे सबसे पहली चीज तो हम बेसिक एन जानेंगे जो हमें रीड करनी है अब देखो हर एक सब्जेक्ट में एनसीआरटी नहीं रीड करनी होती कुछ अलग प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती है तो एनसीआरटी प्लस एडिशनल या फिर अदर बुक्स राइट ठीक है आगे चलते हैं फिर प्रैक्टिस के लिए अगर कोई सोर्स है क्वेश्चन बैंक वगैरह आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे क्वेश्चंस राइट right? फिर अगर हम बात करें मैप्स की प्लस आपके कोई कार्टून क्वेश्चन है वो सब हम कहा से सोर्स रहेगा एंड देन अगर कोई वीडियो लेक्चर देखना है तो वो कहाँ से होगा राइट सो वीडियो लेक्चर्स क्लियर है फॉर एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल से हटके भी बताऊंगी डोंट वरी नो बायसनेस राइट हियर आपकी जिससे मैक्सिमम हेल्प हो पाए वो इस वीडियो का इंटेंशन है राइट सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस द बुक्स एंड सोर्सेस फॉर आर सब्जेक्ट्स चलिए शुरू करते हैं चलिए सो बिफोर मूविंग ऑन टू सब्जेक्ट्स मुद्दे पे आते हैं सबसे पहली और इंडिस्पेंसिबल चीज जो आप सारे स्टूडेंट्स को करनी है वो ये है वो है हमारा मेन सोर्स क्योंकि हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट्स को लेके कि क्या करें यार कितना पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है राइट सो दीज आर सम ऑफ दी क्वेश्चन जिसको लेके हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे आपने क्लास ट्वेल्थ शुरू करी मान आपने दो चार महीने स्कूल में जा रहे हैं पढ़ रहे हैं फाइन बट बोर्ड्स में रिजल्ट चाहिए आगे CUET के लिए हमें समझना है पेपर पैटर्न राइट तो आपको क्या करना है सबसे पहला आपका मेन सोर्स रहेगा टू रेफर टू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस पी वाई क्यूज ये आपने सुना तो बहुत होगा राइट right? आपको एटलीस्ट पास्ट फाइव ईयर्स कि क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने हैं भैया क्योंकि क्या होता है सिलेबस सेम है सब्जेक्ट सेम है सीबीएसई रिपीट करता है क्वेश्चन कई बार तो पूरा सेम क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है ट्रस्ट मी इफ यू हैव सोल्व पास्ट फाइव ईयर पेपर्स अगर अगर टू टाइम्स ठीक है आप दो बार करके ही गए हैं खुद आंसर राइटिंग करके गए हैं

चेक करना है कि भैया आपके स्कूल में आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं मोस्टली कोर ही होती है क्योंकि इलेक्टिव को काफी टफ माना जाता है बट बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो इलेक्टिव भी करवाते हैं राइट सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले देख लो आपकी कोर है या इलेक्टिव कैसे देखोगे सीबीएसई की वेबसाइट में मेंशन कर रही हूं, इस पे जाओगे करिकुलम पे क्लिक करोगे 20, 22, 23 पे जाओगे एंड वहां पे पूरी लिस्ट आ जाएगी लैंग्वेज में जाके क्लियर है पूरा सिलेबस आ जाएगा ठीक है सिलेबस मैं पहले बता चुकी हूँ सिलेबस देखे बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती है बुक्स में भी बुक्स खोलते ही सबसे पहले आप टिक लगाएंगे उन चैप्टर्स पे जो आ रहे हैं क्योंकि काफी सारे चेंजेस हुए हैं राइट वो वीडियो में लिंक कर दूंगी पूरी प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी यार न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तैयार हो जाओ चलो अब इंग्लिश में देखो कोर में दो बुक्स हैं फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही हमारी एनसीआरटी हैं प्राइमरी सोर्स है बेसिक सोर्स है तैयारी का चैप्टर आप यहीं से पढ़ेंगे क्लास में भी मैम यहीं से पढ़ाएंगी राइट सो so, फ्लेमिंगो और ये तो करनी ही करनी है बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि सिर्फ समरी पढ़ के चले गए तो वो ऊपर ऊपर से आंसर दे पाओगे वो मजा नहीं आएगा वो नंबर नहीं आएंगे ठीक है तो इंग्लिश को लेके आपको बुक जो मेन है उसको एक बार रीड तो करना ही करना है फिर आप सप्लीमेंट्री बुक से समझ सकते हैं वीडियो देख के समझ सकते हैं राइट Talking about supplementary या फिर additional book, मैंने जो रेफर की थी इट वॉज यू लाइक पहले मार्क्स बता देती हूँ इंग्लिश में नाइनटी एट आउट ऑफ हंड्रेड इन दर ट्वेंटी है मेरे ठीक है मैंने काफी सारी रेफरेंस बुक्स देखी बहुत सारी आती है ना? Uh, आई कांट रिमेंबर द नेम्स काफी सारी ठीक है उसमें से बेस्ट मुझे यू लाइक like की लगी क्योंकि भैया वेरायटी ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने समरी के लिए नहीं ली यू लाइक like, मैंने क्वेश्चन के लिए ली क्योंकि भैया इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एनसीआर से बहुत कम आते हैं मेनली आपको पोयम का कोई पैराग्राफ दे दिया है उससे क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन like में मिले सो आई वुड सजेस्ट यू लाइक अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं राइट एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड तो इंग्लिश के लिए वो किताब रहेगी बाकी यूट्यूब भरा पड़ा है आपको सम्मरी के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मैंने भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के लिए आप जाके देख सकते हैं टॉकिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है मेरे नोट्स के साथ विच आई यूज क्लियर है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी राइट सो so, इंग्लिश का डन है प्राइमरी सोर्स एनसीईआरटी रहेगा फ्लेमिंग एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका यू लाइक रहेगा एंड ईयर पेपर्स तो हमें रेफर करना ही करना है फाइन चलिए आगे चलते हैं चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आई स्कोर हाईएस्ट वाज 99 आउट ऑफ 100 ये एक नंबर कहाँ गया इसकी स्टोरी भी मैंने बताई हुई है चैनल पे कहीं ढूंढोगे मिल जाएगी वापस बता दूंगी अगर कमेंट्स में पूछोगे तो राइट right, अब देखो इको में सिलेबस चेंज हो गया है मेरे टाइम पे मैक्रो और माइक्रो आती थी अब माइक्रो इलेवेंथ में कर दी है एंड ट्वेल्थ में आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई है सो so, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कहाँ से पढ़ेंगे पर्सनली मैंने एन रेफर भी नहीं करी छुई भी नहीं ना ही मेरे स्कूल में कराई जाती थी राइट सो मोस्टली ये मैंने देखा है काफ़ी सारे स्कूल एन से नहीं पढ़ाते द सोर्स इज संदीप गर्ग द बुक कॉल्ड संदीप गर्ग वही सोर्स था मेरा भी फॉर इकोनॉमिक्स पूरी संदीप गर्ग रटलो हंड्रेड परसेंट मार्क्स है उसमें एकदम नोट्स के फॉर्मेट में सब समझाया हुआ है बहुत प्यारी बुक है पढ़ने का भी मन करता है राइट और अगर आप मैक्रो इको की एनसीआरटी उठा लोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा एकदम पैराग्राफ्स थ्योरी टाइप बनाई हुई है तो संदीप गर्ग आप रेफर कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट आग बंद करके राइट सो नो एनसीईआरटी हियर ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई देखो अब इसमें भी काफी सारे टीचर्स आपको कहेंगे टी आर जैन और वी के ओरी की कितनी मोटी बुक आती है उसमें पॉइंटर्स में गिवन है वो आपको रटनी पड़ेगी आई वुड से प्राइमरी सोर्स आप एनसीईआरटी रखो पढ़ो एनसीईआरटी को उसमें समझाया गया यार कैसे क्या हुआ क्यों हुआ रीजनिंग है ठीक है और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप समझ पाओगे तभी आप आंसर दे पाओगे बाद में आप एडिशनल टी आर जैन वाली बुक रेफर कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से पॉइंटर्स दिए हुए हैं हर एक टॉपिक वाइज रीजन कॉजेज सब कुछ एकदम सिस्टमैटिकली गिवन है बट लेटर सबसे पहले आप एनसीआरटी NCRT... आई के लिए हंड्रेड परसेंट रीड करेंगे ही करेंगे राइट सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस क्योंकि भैया मैक्रो में आपको नेशनल इनकम के आ, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट छ नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो सबसे पहले तो आप वो सीख जाओ जो फॉर्मूलाज है उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है हंड्रेड एकदम अपना लेना है समझ लेना है राइट right?

पूरी प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक करो कुछ नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए तो देखो अगर चीजें उससे समझ आ रही है वैसे ही नोट्स बनाओ बैठ के एनसीआरटी को साइड में रख के दैट इज द बेस्ट सोर्स आई वुड से एंड आप ऑलरेडी रिव्यू से देख पाएंगे जो भी कॉमेंट्स में आपको मिलेगा सो चेक दैट आउट क्लियर है टॉकिंग अबाउट द बुक्स पोलिटिकल साइंस दोनों हमें एनसीआर टी ही रेफर करनी है नथिंग एल्स देखो जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स है पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री दोनों में आपको हंड्रेड परसेंट फोकस एनसीआर टी पे करना है तो भैया दो बुक्स है हमारी क्लास ट्वेल्थ पे सबसे पहले है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लियर है उसमें हमें कोल्ड वॉर एरा से लेके एंड में ग्लोबलाइजेशन तक सब कुछ बताया गया है वो जो जिसमें आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए काफ़ी प्यारी बुक है अच्छी है काफी हमें यू नो you know, एक इनसाइट मिलती है कि भैया या कैसा साउथ ईस्ट एशिया है कहां साउथ एशिया है क्या हमारी नेबरिंग कंट्रीज उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है

सो योर नोट्स एंड एनसीआर टी विल बी एनफ प्रैक्टिस कहां से करेंगे पास ईयर क्वेश्चन दैट इज इट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें समझाया हुआ है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो आते हैं और जो हमेशा से आए हैं तो आप रेफर कर सकते हैं पोलिटिकल साइंस के लिए पूरा का पूरा चैनल क्लियर है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट मूविंग ऑन टू ज्योग्रफी ज्योग्रफी आप देखो अगर आपने क्लास इलेवेंथ पास कर ली है तो उसमें था सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जोग्रफी क्योंकि काफ़ी टेक्निकलिटीज़ थी एकदम प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा आई वुड से चंकी थी क्योंकि उसमें भैया हमारा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्रफी भी है फिर इंडियन ज्योग्रफी भी है काफ़ी हेक्टिक था राइट बट क्लास ट्वेल्थ की कंपेरिटिवली बहुत ईजी है इलेवेंथ से राइट यू हैव टू बुक्स एनसीआर रेफर करनी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्रफी सबसे पहली बुक स्ट्रेट एनसीआरटी बेसिक सोर्स रहेगा फिर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी अनदर एनसीआरटी थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको क्योंकि इसमें प्रॉपर वो कोर ज्योग्राफी नहीं है इसमें थ्योरिटिकल पार्ट है एनालिसिस है राइट ठीक है तो हमारा ज्योग्राफी रहेगा अब ज्योग्राफी के लिए सबसे मेन एक्सप्लेनेशन वीडियोज कहाँ से समझे राइट right? सबसे अच्छा सोर्स है अमित सेन गुप्ता सर अमित सेन गुप्ता आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे uh, सर ने सारे वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं जोग्रफी के अमेजिंग है राइट यानी खुद जब भी मुझे जोग्रफी थोड़ी सी भी पढ़नी होती है आई रेफर टू हिज चैनल फ्री में बहुत अच्छा है राइट सो so, क्लास ट्वेल्थ की जोग्राफी के लिए यू कैन रेफर टू अमित सेन गुप्ता सर चैनल यूट्यूब राइट तो इससे हम पूरा समझेंगे और फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे ये हमारा जोग्राफी के लिए रहेगा टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा बुक्स ज्योग्रफी में मैं सजेस्ट करूंगी ओसवाल की बुक्स आती हैं आप वही लें क्योंकि उसमें मैप मेक श्योर मैप गिवन हो बुक में एक बार देख लेना चेक कर लेना आउट ऑफ द रेस्ट बता रही मैं यू लाइक वगैरह मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई ओस की अच्छी रहेगी एक बार चेक कर लेना अगेन नो अश्योरेंस मैप है नहीं है मैप वाली लेना क्योंकि मैप पॉइंटिंग उसमें गिवन रहती है राइट सो दिस इज आर सोर्स फॉर ज्योग्रफी कंपेरिटिवली काफी ईजी है जितना स्ट्रगल इलेवेंथ में किया है उतने ही मजे ट्वेल्थ में करोगे राइट चलिए चलिए अब आते हैं हिस्ट्री पे जितनी ज्योग्रफी इजी हो गई है ट्वेल्थ में आके उतना ही हिस्ट्री के लिए ऑपोजिट है थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेगी क्यों भैया क्योंकि हमारे पास थ्री एन हैं है तीन बुक्स हैं काफी लेंदी लगता है एज अ स्टूडेंट राइट कि इतना कौन पढ़ेगा ओके okay. तो इसका भी एक तरीका है इसको कवर करने का इंटरेस्टिंग लगने लगेगी विद टाइम डोंट वरी तो भैया सबसे पहले थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन थीम वन थीम टू थीम थ्री बेसिकली थीम वन एशियंट है थीम टू मिडिवियल है एंड थीम थ्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है क्लियर चलिए अब क्या करना है बेसिक सोर्स एनसीआरटी रहेगा जिससे आप पूरा पढ़ेंगे राइट एनसीआरटी एनसीआर टी एनसीआर टी हंड्रेड परसेंट काफी अच्छी है हिस्ट्री की एनसीआर टी बुक्स ठीक है आपको बस थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए कि आप शांति से पढ़ पा रहे हैं उसको और समझ पा रहे हैं क्योंकि अगर आप एंशियस होके पढ़ेंगे पढ़ने बैठेंगे आप उठ जाएंगे तभी आपका मन नहीं लगेगा बुक में क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग लगती है राइट सो एनसीआरटी इज द प्राइमरी सोर्स और आ, हमें क्या करना है टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन या अगर नहीं पढ़ा जा रहा है मेरे चैनल पे हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास ट्वेल्थ की जिसमें मैंने एनसीआर टी खोल के आपको पढ़ाया है राइट सो दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू साथ में वीडियो चलाओ साथ में अपने नोट्स नोटबुक और बुक लेके बैठो एंड कवर हिस्ट्री सारी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट वाले टैब में जाके देख लीजिएगा राइट सो हिस्ट्री के लिए सोर्स मेरा चैनल आई वुड हंड्रेड परसेंट रिकमेंड ठीक है बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको ठीक है सो टॉकिंग अबाउट एनसीआर टी तीनों एन सी आर टीज है मैप की अगर बात करें मैप की एक मेरे पास पी डी एफ है जिसमें प्रिसाइज लोकेशन है हालांकि हमने पिछले साल आ, अभी जो बैच किया उनके साथ लाइव आके मैप भी डिस्कस किया है सब कुछ कवर किया है काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है तो मैप की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे वापस डाल दूंगी तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे यहाँ पे ये नेम है सिंपली ह्यूमन एट ईज अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वहां पे आपको पूरी मैप लिस्ट पीडीएफ मिल जाएगी उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको मैप पॉइंटिंग की प्रैक्टिस करनी है फॉर हिस्ट्री क्लियर है सो मैप सोर्स भी डन है प्रीवियस ईयर इेस् आपके हंड्रेड प्रैक्टिस के लिए रेलिवेंट है क्लियर है और अगर आपको जानना है हर एक चैप्टर को कैसे पढ़े अगेन मैंने बोला है न्यू सेशन के लिए सारी न्यू वीडियोस लाई हूं मैं प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए क्लियर अब चलते हैं लास्ट सब्जेक्ट पे जो कि है फिजिकल एजुकेशन चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन आई वुड से उतना भी इजी सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आप एकदम मजे में लेके चल रहे हैं दो दिन पहले हो गया नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें आपको बनाना सीखना होता है so on, है right? है सीडिंग मेथड एंड सो ऑन काफी टेक्निकल राइट बट इजी इसका तरीका क्या रहेगा देखो बुक की अगर बात करें सरस्वती पब्लिशर्स की बुक मैंने रेफर करी थी स्कूल में भी यही बुक आ, सर कराते थे तो सरस्वती की ये बुक है फिजिकल एजुकेशन के लिए हंड्रेड बहुत ऑथेंटिक सोर्स है बहुत अच्छा है हेल्पफुल है अब इससे हमें क्या करना है मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाई थी टर्म टू के लिए उसमें मैंने काफी सारे चैप्टर्स एक शॉट में अपने खुद के नोट्स के साथ समझाया है राइट सो बेस्ट नोट्स फॉर दैट आप uh, फटाफट जाके सर्च करिए चैनल पे मिल जाएगा आपको तो उसमें वन शॉट में मैंने आई गेस छ चैप्टर्स कवर करे हैं जो आपके भी अल्टीमेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे सो so नोट्स के साथ फिजिकल एजुकेशन का बस उतना उन चैप्टर्स में कर लो आई वुड से बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है यार आपको हर चीज़ याद करनी है इसमें भी तरीका होता है बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की भी मैं वन शॉट वीडियो पक्का लाऊंगी राइट सो फिजिकल एजुकेशन के लिए सरस्वती की बुक है और आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने प्रिसाइज इस टर्म का मतलब ये होता है इसके अंडर इतनी कैटेगरी है क्योंकि उसमें ना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है तो आपको बस वो याद रखना है और आपको अल्टीमेटली बनाने की कला आनी चाहिए राइट सो गाइज यही था हमारा बुक्स एंड सोर्सेज फॉर ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स अंडर ह्यूमैनिटीज आई होप आपको हेल्प हुई है अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ बांटो इसे एंड अपना रिव्यू बताओ मुझे कमेंट करके ऑल्सो यू गायस आर माई हैश टैग सुपर ह्यूमन तो हैश टैग सुपर ह्यूमन जरूर कमेंट करना आई गेट टू नो कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है या नहीं सो गायस दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू यू आर एट ह्यूमैनिटीज हैप्पी लर्निंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वन